हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छेना के रसगुल्ले। सबसे पहले एक लीटर गाय का दूध लेंगे। मैंने ये एकदम ताज़ा फ्रेश गाय का दूध लिया है। आप चाहे तो पहले से रखा हुआ है, गर्म किया हुआ भी ले सकते हैं। इसे हमें गैस पर अच्छे से चलाना है, अच्छे से बॉईल करना है। इसमें उकाली लेनी है। दूसरी तरफ हमें एक कटोरी में पानी लेना है। एक कटोरी पानी हम पूरा लेंगे, उसमें एक पूरा नींबू हमें निचोड़ लेना है। अच्छे से निचोड़ लेंगे, बीज हटा देंगे नींबू के। अच्छे से निचोड़ना है इसे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिसलाइक भी करेंगे तो भी चलेगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। यहाँ पर हमने गाय का दूध इसलिए लिया है क्योंकि गाय के दूध में फैट कम होता है। रसगुल्ले बहुत टेस्टी और स्पॉन्जी बनते हैं। अच्छे से उकाली आ गई है। हम गैस को बंद कर देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे। जो नींबू पानी हमने रखा था उसे अब हमें इसमें डालना है। एक एक चम्मच करके हम नींबू पानी दूध में ऐड करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। एक साथ नहीं डालना है। नींबू वाला पानी पूरा ही हमें डालना है दूध में, ताकि अच्छे से छेना तैयार हो जाए। चलाते जाएंगे, साथ में डालते जाएंगे। आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा दूध फटना शुरू हो गया है। हम इसे पूरा डाल देंगे और दूध से देखिए छेना तैयार हो गया है। अब हम इसे एक छन्नी की सहायता से पानी को अलग कर लेंगे। पानी को हमने अलग कर लिया है। छेने को हमें पानी डालकर अच्छे से धोना है, ताकि जो नींबू का जो टेस्ट है वो अलग हो जाए। छेने को अच्छे मसल कर धोएंगे। दो से तीन बार हम अच्छे से धो लेंगे, ताकि नींबू का टेस्ट अलग हो जाए। अब एक सूती कपड़े में आप रुमाल ले सकते हैं या कोई भी सूती कपड़ा ले सकते हैं। उसमें छेने को डालकर इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हटा देंगे। अच्छे से दबाते हुए हम एक्स्ट्रा पानी को हटा देंगे। इसे कहीं बांध कर नहीं रखना है, सिर्फ हाथों की मदद से अच्छे से एक्स्ट्रा पानी को हटा देना है। ये जो छेने में से जो पानी निकला था उसे दो चम्मच हम एक बाउल में अलग रख लेंगे। इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। छेने को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें एक चम्मच कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक चम्मच मैदा भी ऐड कर सकते हैं। एक लीटर दूध लिया था इसलिए एक चम्मच कॉर्न फ्लोर ऐड किया है। अच्छे से मसल लेंगे इसे। हाथों की सहायता से, हाथ की हथेली की सहायता से हमें इसे अच्छे से मसलना है। इसे अच्छे से मसलते हुए हम बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हाथों की सहायता से अच्छे से मसलेंगे, एकदम स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से स्मूथ तैयार करना है हमें छेने को, ताकि हमारे जो रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट बने। एकदम सॉफ्ट हो गया है। इस छोटी छोटी लोई लेकर हम बॉल्स बना लेंगे। आप छोटे बड़े अपने मनचाहे आकार में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लिए हैं। ये बनने के बाद बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत फूल जाते हैं। छोटे छोटे से बॉल तैयार हैं, लगभग 30 तैयार हैं। अब हम एक कुकर लेंगे। कुकर के अंदर हम एक बॉल चीनी का डालेंगे। जितनी चीनी है उससे तीन गुना हमें पानी ऐड करना है। एक बॉल चीनी लिया था तो तीन बॉल पानी ऐड करना है। हमने तीन बॉल पानी ऐड कर लिया है। अच्छे से चलाएंगे, चीनी को मेल्ट हो जाने देंगे। इसमें उकाली लेंगे। ये हम चाशनी तैयार कर रहे हैं रसगुल्ले के लिए। जो दो चम्मच छेने का पानी जो हमने अलग रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देखेंगे कि उकाली आने पर कुछ बबल्स इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे हमारे रसगुल्ले फटने के चांसेस कम हो जाते हैं और टेस्ट भी इन्हेंस होता है।
देखिए बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे रसगुल्लों को ऐड कर देंगे। दो 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 रसगुल्ले हम इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए आप जैसे ही मैं रसगुल्ले डाल रही हूँ बबल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। हमें इन्हें अच्छे से डाल देना है। सारे रसगुल्लों को हम इनमें डाल देंगे, हम एक साथ नहीं पटकेंगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम रसगुल्लों को डाल देंगे। रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए हम धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ पटकना नहीं है हमें चाशनी में। बबल्स आ रहे हैं, चाशनी एकदम ठंडी नहीं हो रही है। अब हम ढक्कन को सिर्फ ऐसे ही ऊपरी सतह से लगाकर 5 मिनट तक इन्हें अच्छे से पकाएंगे। देखिए रसगुल्ले फूलने लगे हैं। अब ढक्कन पूरी तरह बंद करके हम 2 सीटी लेंगे। हमने सीटियां ले ली है 2, अब हम इसे ठंडा करेंगे। रसगुल्ले रेडी हैं, एकदम ठंडे हो गए हैं। टेस्टी और सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले रेडी हैं। इन्जॉय कीजिए।